नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप में से बहुत सारे लोगों की जो अभी किस्त डाली गई थी किसान सम्मान निधि की 20 अक्टूबर को, वो नहीं आई है। और ज़्यादातर किसान हैं, उनका किस्त ना आने का कारण है कि आपकी जो लैंड सीडिंग है वो नो है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इस तरीके से आपकी लैंड सीडिंग है वो नो है। यही कारण है कि आपकी जो किसान सम्मान निधि की किस्त है इस बार की वो नहीं आई है। अगर आप ये ठीक कराना चाहते हैं तो आप दो कार्यालय में जा सकते हैं, या तो आप अपने उप कृषि निर्देशक के कार्यालय में जा सकते हैं तथा आप अपनी तहसील में जाके आवेदन कर सकते हैं लैंड सीडिंग के लिए। इसका किस्त ना आने का कारण ये है कि सरकार को किसान सम्मान निधि है वो सरकार को पता ही नहीं है कि आपके नाम पर ज़मीन है या नहीं है। उसका वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि आधार से पैन कार्ड लिंक होता है उसी तरीके से किसान सम्मान निधि से आपकी जो लैंड है यानी ज़मीन है वो लिंक होगी। इसी से रिलेटेड एक जो एडवर्टीजमेंट है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो आपने अब तक KYC नहीं करी है तो KYC कर लीजिए। और नीचे लिखा हुआ है कि आपकी अगर लैंड सीडिंग नहीं है तो आप लैंड सीडिंग के लिए अपने तहसील या फिर उप कृषि निदेशक के कार्यालय में जा सकते हैं। सो आज की वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट था। मैं आपके लिए किसान सम्मान निधि से संबंधित जानकारी लाता रहता हूं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे क्या कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि सारे जो किसान भाई हैं उन्हें पता चल जाए कि किस तरीके से किसान सम्मान निधि की लैंड सीडिंग आप करा सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।